भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। और क्या? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे एडिट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये वीडियो का एडिट करने वाले हैं VN ऐप से, ठीक है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले VN ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड है, मैं उसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ। इस तरह से ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको स्काइप करेंगे, शायद आपको स्काइप का ऑप्शन नहीं दे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद फिर हम लोग प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम लोग को यहाँ से दो फोटो लेना है, ठीक है। एक एडिट वाला, एक बिना एडिट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बिना एडिट वाला एक फोटो ले लेना है और फिर एडिट वाला एक फोटो ले लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना एक बिना एडिट वाला फ़ोटो ले लेता हूँ और एक यहाँ से एक एडिट वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। और इतना लेने के बाद फिर हम लोग इस पे देखिए तीर वाला निशान, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर से चले जाएंगे म्यूजिक में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है टैप टू ऐड म्यूजिक सबसे ऊपर में, ठीक है। तो टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, फिर म्यूजिक में जाएंगे, ठीक है। और म्यूजिक में जाने के बाद फिर जाएंगे यहाँ देखिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गुना टैप को उस पर जाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक्सटेंड फॉर्म वीडियो, ठीक है। टेक्स्चर फॉर्म वीडियो कर लेंगे, फिर यहाँ से मैं एक वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करिए, ओके करिएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने का सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से और फिर हम लोग बीट सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीट सेट करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए बीट का ऑप्शन है, बीट पर क्लिक करेंगे, ओके। और बीट पे क्लिक करने के बाद पहले हम लोग सुन लेंगे कहाँ पे जो है क्लिक का ऑप्शन आता है, फोटो खिंचाता है उस टाइप का क्लिक का, देख लीजिए यहाँ पे आ रहा, देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कट लगाएंगे, ठीक है। बस एक ही कट लगाना, एक ही कट लगाने के बाद यहाँ डन करेंगे, फिर से हम लोग नीचे ही डन करेंगे और डन करने के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे, देखिए यहाँ तो मेरा कट यहाँ है, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला, हम लोग इसे डिलीट करेंगे, इसको वाटर मार्क है, हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो तो वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट करने के बाद देख लेंगे हम लोग कहाँ कट है, हम लोग इसको वीडियो फोटो को जो इस तरह से बड़ा कर लेंगे, देख लीजिए। तो मेरे यहाँ पहला बिट सेट है, तो मैं यहाँ तक भी फर्स्ट फोटो का लेयर ले आऊँगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट फोटो का लेयर में यहाँ तक ला के रख लूँगा, ओके। कुछ इस तरह से आप लोग भी रख लीजिएगा, बस इतना ही रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना, आप लोग देख लीजिएगा। देख लीजिए मेरा हो गया। और इतना होने के बाद फिर से हम लोग देख लीजिए यहाँ पर जो प्लस वाला आइकॉन है, देख लीजिए फोटो के यहाँ फर्स्ट में, ठीक है। प्लस वाला आइकॉन है फोटो के फर्स्ट में यहाँ पे, तो प्लस वाला पे आइकॉन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखल है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल पे इसको हम लोग फुल करेंगे, ठीक है। अब फुल करेंगे, ठीक है। और डन करने के बाद फिर से हम लोग चले आएंगे ये वाला, देख लीजिए ये फोटो पे, ठीक है। एडिट वाला फोटो पे आने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स में, ठीक है। और इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे है GTL, ठीक है। तो हम लोग GTL वाला लेंगे, GTL वाला लेने के बाद फिर हम लोग इसे फुल कर लेंगे, ओके। इस तरह से हम लोग यहाँ से ऐसे फुल कर लेंगे और फुल करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से डन करेंगे, ठीक है। और डन करने के बाद फिर हम लोग को फोटो हो जाएगा, देख लीजिए एडिट, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ऊपर साइज़ भी देख सकते हैं 9x16 इसमें है या नहीं है। तो हम और नीचे साइज़ पे क्लिक करेंगे, और नीचे साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 9x16 कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा 9x16, और फिर हम लोग कहीं भी टच करके हट जाएगा, ठीक है। और हटने के बाद फिर हम लोग देख लीजिए, फिर हम लोग का फोटो एडिट हो गया, देख लीजिए। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ वीडियो, देख लीजिए जिस तरह से दिखाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए क्लिक होगा, उसके बाद एडिट वाला फोटो आ जाएगा, देखिए। तो देख लीजिए कितना अच्छी तरह से एकदम सेट हो गया, ठीक है। सेट होने के बाद हम लोग ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए अगर आप लोग का 30 PS होगा तो आप 60 PS कर लीजिएगा, यहाँ आपको डिफॉल्ट होगा तो हाई कर लीजिएगा। हाई करने के बाद फिर हम लोग इसे नीचे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग को वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए देखिए वीडियो सेव होने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है सेव टू एल्बम, ठीक है। तो हम लोग सेव टू एल्बम में आसानी से कर लेंगे सेव टू